तो नोटबंदी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन नोटबंदी के बुखार से पूरा देश, पूरा प्रदेश परेशान है। इस मसले में पूरी बात करने के लिए हमारे पीलीभीत में जो अभी तक बांसुरी का कारोबार होता था वो इस नोटबंदी से भी कहीं अछूता नहीं रह गया है। इस मसले में बात करने के लिए हमारे साथ कई ऐसे कारोबारी हैं जिनका माल यहाँ से नहीं पूरे देश और विदेशों में भी बिकता है। कुछ बांसुरी कारोबारी हैं। सर आपका नाम क्या? नवाब अहमद। हाँ, तो आप कब से कर रहे हैं बांसुरी कारोबार? लगभग 30-40 साल। हाँ, तो कहाँ कहाँ जाता है आपका माल? माल पूरे वर्ल्ड में जाता है, इंडिया में भी जाता है। तो नोटबंदी से आपके में क्या इफेक्ट? हाँ, बहुत बड़ा असर पड़ा, तो हमारा कारोबार बंद हो गया। नोटबंदी में जो माल पार्टी हुए थे पेमेंट नहीं करती है, पेमेंट के बाद आप पक्का बिल चाहिए, पक्का बिल कहाँ से दें? रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं हम लोगों ने, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 महीने 8 महीने के बाद में, 6-3 महीने बाद में हमें वो हर महीने जमा करना है, एसटी जमा करना पड़ता है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन है उसमें जीएसटी का, जीएसटी में जमा हर महीने मुंशी को 600 रुपये देना पड़ता है। ये सब बंद करना चाहिए मोदी जी को, जीएसटी कटी है बंद कर देना चाहिए। नोटबंदी में क्या होना चाहिए? नोटबंदी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सारा कारोबार बंद हो गया। हाँ, पैसा ही पहले कितना कारोबार था, कितना कारोबार था पहले का? आपको यही साल का कारोबार पूरे पीलीभीत का 30 लाख का था, आज तो सिर्फ 12-14 लाख का ज्यादा रह गया है। वो भी पेमेंट मिल नहीं का सारा मामले जो तक काम चल रहा था आगे के लिए वो भी सारा आगे रुकता चला गया। अब जी चाहता है इस काम को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो भी आगे नहीं पनप पा रहे हैं, जो कारीगर है वो कोई बेनिफिट फूल नहीं मिल पा रहा है। 300 रुपये पर डे की जो इनकम होना चाहिए वो इसमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये दम पे दम बिछड़ता जा रहा है। जो पुरानी जनरेशन इसको काम कर रही है वो ही उठा सकती है इसको। और मोदी सरकार से भी, योगी सरकार से भी निकला, इसमें 30,000 करोड़ रुपए की मांग है मेरी, अगर पीलीभीत की बात को सुधारना है तो 20,000 करोड़ से काम आती है। तो पहले आप कितने रुपए का, कितने लाख का टर्नओवर होता था? अरे 2-4 है, 5 लाख का और क्या, इससे ज्यादा क्या? अब कितना हो गया? अब तो 1,000-2,000 का रह गया, बस रह गया कुछ नहीं, सब बेकार। अब तो काम ही करने का दिल नहीं चाहता कि पीलीभीत में बाकी काम किया जाए। इधर नोटबंदी ने इतना पछाड़ दिया रखे हमें, काम सीधे ही नहीं हो पा रहे हैं। पर पीलीभीत में जो बांसुरी कारोबारी थे लगातार कई काम होते जा रहे हैं, और ये नोटबंदी के मार से कोई अपना दूसरा काम काम करने लगा है। सीधे तौर पर ये नोटबंदी पीलीभीत के जो बांसुरी वाले थे उनके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुई है। ईटीवी के लिए शिवम पोरवाल, पीलीभीत।